सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्रितात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में प्रसंग चल रहा था कि विश्वामित्र जी किसी भी कीमत के ऊपर शबला गो को लेना चाहते हैं। वे कहते हैं यावद इच्छसि रत्नानि हिरण्यम वा द्विजोत्तमम, कितने भी आप रत्न ले लें, सोना ले लें, चांदी ले लें, जो भी आप लेना चाहते हैं, लेकिन शबलाम मम दीयताम, लेकिन शबला आप मुझे दे दीजिए। और इन्होंने भी अपनी बहुत मजबूरी जताई कि मेरा सब इसी के ऊपर ही, मेरा हव्य कव्य प्राण यात्रा, मेरे सब यज्ञ याग आदि, अग्निहोत्र आदि, बलि होम, सब स्वाहाकार व षटकार सब इसी के आश्रय से चलते हैं। तो भाई मैं इसको कैसे दे सकता हूँ, जो मेरी बेसिक नीड है, जिसके आश्रय से मेरी जीवन यात्रा चल रही है, तो अब इससे ज्यादा तो और क्या कहे आदमी, मतलब सब कुछ तो कह ही दिया ना। तो इन्होंने कह दिया था कि इसलिए किम बहुना प्रलापेन न दास्य काम दोहिनी, ज्यादा बात मत करो आप। मतलब ये तो बात ये हो गई ना कि मेरे प्राण ही जब इसके ऊपर टिके हुए हैं तो इसको कैसे दे सकता हूँ। तो जब कोई आदमी अपनी इतनी मजबूरी जता रहा है तो उसके आगे हट करना चाहिए क्या, उसके बाद तो दुराग्रह नहीं करना चाहिए। जब उनको कह रहे हैं कि ये मेरी सबसे एक आवश्यक वस्तु है, न कि लग्जरी की वस्तु है, दो चीजें होती है ना, एक तो बेसिक नीड होती है और एक तो फिर सुख सुविधाएं होती हैं। तो सुख सुविधा को तो दिया जा सकता है, लेकिन जो हमारे जीवन का ही आधार है उसको कैसे दिया जा सकता है। तो इन्होंने मना कर दिया कि ये मैं किसी तरह भी नहीं दे सकता हूं। अतो मूला क्रिया सर्वा, लास्ट में कह दिया हे राजन, अतो मूला क्रिया सर्वा न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, मैं बिल्कुल होश आवाश में कह रहा हूं, कोई मोह के कारण नहीं कह रहा हूं। अतो मूला सर्वा क्रिया, इस शबला के आश्रय में ही मेरी सारी क्रियाएं हैं, ये ही उसका मूल है मेरे जीवन का। बहुना किम प्रलापे न, इस विषय में हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, कोई प्रलाप नहीं करेंगे, लेकिन काम दो ही नेम न दास्य, ये मैं आपको नहीं दे सकता हूं। तो इस पर विश्वामित्र जी का नाराज हो जाना और उनका वशिष्ठ की गौ को बलपूर्वक ले जाना, गौ का दुखी होकर वशिष्ठ जी से इसका कारण पूछना और उनकी आज्ञा से शक हवन पल्लव आदि वीरों की सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र जी की सेना का संहार करना, ये हम चतुः पंचाश सर्ग में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं।
कामधेनुं वसिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनिः तदास्य शबलां रामा विश्वामित्रोऽन्वकर्षत नीयमाना तु शबला रामराज्या महात्मना दुःखिता चिन्तयामास रुदन्ती शोककर्षिता परित्यक्ता वसिष्ठेन किं महं सुमहात्मना याहं राजभृतैर्दीना ह्रियेय भृशदुःखिता किं मयापकृतं तस्य महर्षेर्भावितात्मनः यन्मामनागसं दृष्ट्वा भक्तां त्यजति धार्मिकः इति संचिन्तयित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमौजसं निर्धूय तांस्तदा भृत्यान् शतशः शत्रुसूदन जगामानै विलवेगेन पादमूलं महात्मनः शबला सारुदन्ती च क्रोशन्ती चेदमब्रवीत् वसिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा रुदन्ती मेघनिस्वना। तो जब इन्होंने सारे ही ऑफर्स को ठुकरा दिया कि ना गाय के बदले में मिलेगी, ना हजार गायों के बदले में, ना करोड़ गायों के बदले में, ना कोई रत्नों के बदले में दे सकता हूँ, और सोना चांदी हीरे मोती किसी भी कीमत पर इसको नहीं दे सकता हूँ, तो वो भी राजा हैं, उनको गुस्सा आ गया। काम धेनुम वसिष्ठोपि यदा न त्यजते मुनिः, जब मुनि वशिष्ठ ने कामधेनु का त्याग नहीं किया, उनको नहीं दिया, तदास्य शबलाम राम विश्वामित्रो अन्वकर्षत। तो हे राम, ये कौन सुना रहे हैं राम को? शतानंद जी। तो हे राम, तब क्या हुआ? ये साथ ही हैं, उनके सामने ही सुना रहे हैं, विश्वामित्र जी वहीं पर ही हैं, कि आप जिस गुरु के साथ भ्रमण कर रहे हैं उनके जीवन के बारे में मैं बताता हूं कि वो इस स्थिति तक कैसे पहुंचे। तो पहले तो वो राजा थे, और राजा में भी कैसे थे? बहुत बलवान राजा थे, धार्मिक राजा थे, और उन्होंने पूरी पृथ्वी के ऊपर चक्कर लगाने का सोचा, क्योंकि उनका राज्य तो धन धान्य से पूर्ण था सब तरफ से, और कहीं ना कहीं राजा होते हुए भी मन में अध्यात्म की प्यास थी। अध्यात्म की प्यास हर मनुष्य मात्र को होती, चाहे कोई कैसी भी सेवा में क्यों ना संलग्न हो। तो जब इन्होंने मना कर दिया, तो इन्होंने, हे राम, तब विश्वामित्र जी ने क्या किया? अन्वकर्षत शबलाम, तो शबला को घसीट लिया। अनु अकर्षत माने अपने पीछे पीछे उसको रेंगने के लिए, घिसटने के लिए मजबूर कर दिया। कि तो ऐसे ही तो करता है व्यक्ति के पास जब पावर होती है, तो पहले तो वो थोड़ी मीठी भाषा में बोलता है, तो वो जो मीठापन होता है वो केवल वाणी पे होता है, हृदय में नहीं होता है, क्योंकि थोड़ी सी देर में वो चेंज हो जाता है। फिर जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है ना, ये अंतर है मतलब असली में और नकली में। जैसे नकली चीजें होती हैं, तो ये तो पहले कितना उनके प्रति श्रद्धा दिखा रहे थे, भक्ति दिखा रहे थे, लेकिन वो अंदर कहीं ना कहीं अहंकार था कि मैं बड़ा राजा हूं। तो इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में सत्य की महिमा को गाया है, और सत्य किसको कहते हैं? जो मन में है वही वाणी में है और वही कर्म में है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सज्जनानाम, मनस्यन्नत वचस्यन्नत कर्मण्यन्नत दुर्जनानाम, यही परिभाषा बताई सत्य की। परिभाषा क्या बताई? मन में है वो ही वाणी में, और जो वाणी में है वो ही कर्म में, उसको कहा है। मन में कुछ और चल रहा है, वाणी से कुछ और ही बोल रहे हैं, और कर्मों में कुछ और ही है, तो उसको असत्य कहा है। फिर तो इनके मन में तो अहंकार चल रहा है कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं, तो इसलिए पहले तो इन्होंने भोजन के लिए मना किया। तब मन में यही था कि भाई इनके पास कहाँ, हमारी अक्षौहिणी सेना, हम इतने बड़े लोग हैं, इनके पास कहाँ खाने का प्रबंध होगा हमारे जैसे लोगों के लिए।
चलो इनका फल फूल हमने ले लिया, उतना ही बहुत है। और मन में ऐसे है और वाणी से बोल रहे हैं श्रद्धा पूर्वक वचन कि आप तो सब प्राणी मात्र के लिए पूजित हैं और आपसे हमने पूजा करवाई या हम करवाई ये तो ठीक नहीं है, आपके तो दर्शन मात्र से ही हम धन्य हो गए, ऐसे बोला था ना इन्होंने। तो ये वाणी जो है ये सत्य नहीं थी। अगर अंदर ये ही बात होती कि आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गए तो उनके धन के ऊपर लालच क्यों करना। माँ गृध कस्य सिद्ध धनम, अगर सचमुच ऐसे ही श्रद्धा भक्ति होती गुरुजनों के प्रति, योगियों के प्रति, सन्यासियों के प्रति, तो जब बोला था कि हम तो आपके दर्शन करके ही धन्य हो गए हैं तो उसके बाद जो खाना मिला था वो तो बोनस था, तो तब तो डबल श्रद्धान्वित होना चाहिए था कि भाई हम तो बिना खाए ही बहुत तृप्त मान रहे थे अपने आप को, और अब आपने इतना अच्छा खाना खिला दिया जो कि कभी राजमहलों में भी नहीं मिला, तो उसको खा करके तो और ज्यादा तृप्त होना चाहिए था। लेकिन उसको खा करके जो अंदर का एक अहंकार था वो जागृत हो गया, श्रद्धा वाला जो ऊपर ऊपर का था वो चुप हो गया। ये एक विश्वामित्र जी की समस्या नहीं है, ये हम सब विश्वामित्र की समस्या है। हम सबको पता है कि झूठ बोलना अच्छा नहीं है, चोरी करना अच्छा नहीं है, हिंसा करना अच्छा नहीं है, सबको पता है ना यम नियमों का, लेकिन हम यदा कदा करते क्यों हैं फिर। सबको पता है आलस्य करना अच्छा नहीं है, प्रमाद करना अच्छा नहीं है, गुस्सा करना अच्छा नहीं है, चोरी करना अच्छा नहीं है, सब सारी नेगेटिव चीजों का हमें पता है ना, पता है कि नहीं पता, और हम सब वो करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते होंगे भला, जब एक बार आदमी को समझ में आ गया तो वो उस काम को क्यों करेगा। हमें एक बार समझ में आ गया, अग्नि में हाथ डालने से जल जाता है, तो तब हम डालते हैं क्या, कितने भी दुखी क्यों ना हो पर अग्नि में नहीं डालते हैं, अपवाद नियम को छोड़ करके। कोई कोई तो आत्महत्या कर लेते हैं, दुखी होते हैं तब। लेकिन सामान्य रूप से जो सामान्य नियम है, एक बार समझ में आ गया जहर पीते ही मृत्यु हो जाएगी, तो उसको पीते हैं क्या कभी। तो ये कौन सी समझ है कि जो दो तरह की समझ है, एक समझ हमें कभी जहर नहीं पीने देती है, एक समझ हमें कभी अग्नि में हाथ नहीं डालने देती है, एक समझ हमारी ऐसी है जो अनजाने जल में हमें नहीं घुसने देती है, एक समझ ऐसी है कि रोड के बीच में नहीं चलने देती है, साइड में चलो ऐसे बताती है, और एक समझ ऐसी है कि रोजाना सुनते हैं और फिर वही करते हैं। तो ये क्या अंतर है इन दोनों में। आदमी को जो समझ में एक बार आ गया वो तो फिर आ ही गया ना, और हम देखते हैं कुछ चीजें तो एक बार समझ में आई तो आ ही गई, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि रोज रोज समझ में आती हैं हमें, और हम भी नहीं चाहते हैं कि हम वो ऐसा करें लेकिन फिर भी होता है हमारे से। तो इन दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर है आपसे पूछ रही हूं, क्यों अंतर होता है। एक चीजों को समझ के वैसा ही करते हैं, एक को समझ के वैसा नहीं करते हैं। तो इसका अंतर यह है कि हमारे पास दो माइंड हैं, दो दिमाग हैं, दो मन हैं, ये कह लो आप, जो इस समय जो बातों को समझ रहा है ना, इसका नाम है कॉन्शियस माइंड, और इससे 9 गुना बड़ा है एक सब कॉन्शियस माइंड। तो जब हमें कोई ग्रंथ, कोई गुरुजन, कोई महात्मा, कोई संत, कोई योगी उपदेश देते हैं, उस समय उपदेश सुनने वाला कोई और होता है और जो एक्शन करने वाला है व्यक्ति वो कोई और होता है, दोनों एक नहीं होते। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई मकान है और उसमें एक व्यक्ति तो गार्ड के रूप में बाहर खड़ा है, और मकान मालिक जो है वो उस गार्ड से 9 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, वो अपने अंदर बैठा है आराम से। तो सारे काम काज जो है वो किसके ऑर्डर से चलते हैं, मालिक के ऑर्डर से चलते हैं, यहाँ तक कि वो जो खड़ा है ना वो भी उसी के ऑर्डर से खड़ा है। और बाहर से कोई साधु महात्मा आते हैं, कोई गीता रामायण वाले आते हैं, वो उस गार्ड को समझाते हैं,
भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आलस से प्रमाद नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो वो गार्ड क्या कहता है? जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जब कोई ऐसी विपत्ति आती है तो गार्ड तो वहीं खड़ा रहता है, और ये मकान मालिक अंदर से आता है, अपनी पिस्टल निकाल के लाता है, वो सबको भून डालता है, क्योंकि उसको तो सुनाया ही नहीं हमने, जो अंदर था ना उसको तो सुनाया ही नहीं हमने उपदेश। जिसको सुनाया वो झगड़ा नहीं करता है, जो झगड़ा कर रहा है उसको उपदेश सुनाया नहीं, इसलिए होता है। हम जिसको ये पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो माइंड दूसरा है, और जो चोरी डकैती करता है, हिंसा करता है, वो माइंड दूसरा है, वो अंदर रहता है, और उसको आप जागते हुए तो कंट्रोल कर सकते हैं। जागते हुए तो व्यक्ति ये सोचेगा कि भाई कड़वा नहीं बोलना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए, पर ये तो गार्ड है ना। पर जब अंदर वाला जग जाएगा तब गार्ड की चलेगी। मालिक जब बाहर आ जाएगा तो गार्ड तो ऐसे खड़ा हो जाएगा हाथ जोड़ के एक साइड में, भाई मालिक को जो करना है करेगा। तो जब सबकॉन्सियस में जो संस्कार डाल रखे हैं हमने, वो जिस समय अब अभिव्यक्त होते हैं, तब कॉन्शियस माइंड की नहीं चलती है कुछ भी, तब वो जो अंदर है वो करके ही जाएगा वो। तो ये जो हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, संध्या करते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यही है कि उसको सुनाना अंदर वाले को। जैसे जाप करते हैं ना, तो भी गायत्री मंत्र एक ही बार बोल लिया बहुत है, अब उसके 1,00,000 जाप करने की क्या जरूरत है? इसलिए है कि इस वाले मन को, कॉन्शियस माइंड को बार 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 एक ही चीज सुनाएंगे तो ये तो सो जाता है, नींद आ जाती है इसको, या फिर ये इंटरेस्ट नहीं लेता है, और वो इंफॉर्मेशन फिर उसके पास जाने लग जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। ऐसे ही जब हम ध्यान आदि में बैठते हैं, उपासना आदि में बैठते हैं, तो ये बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसे समझ लो कि गार्ड बैठा तो है पर उसको झपकी आ गई, तो अब कोई अंदर जा सकते हैं ना व्यक्ति। तो इस समय जब आप ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तो जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार का मतलब यही है कि जो इंद्रियां बाहर की तरफ जा रही थी, आहार की तरफ दौड़ रही थी, उनकी दिशा उल्टी कर दी हमने कि अब अंदर रहो, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, तो वो शांति से बैठ जाती हैं। फिर जो असली अर्थ है प्रत्याहार का, ऐसे बोलने से नहीं होगा, मतलब वो जो स्थिति है, अब इंद्रियां बाहर जा नहीं रही हैं, वो आकर के अंदर सिमट गई हैं, तो अगला फिर क्या होगा? जब वो नहीं जा रही, ये चुप हो गया, तो फिर जो भी सूचना देंगे वो सबकॉन्शियस माइंड को सुनता है फिर। तो इसलिए फिर वहां से शुरू होता है अंदर की यात्रा, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि समाधान है, क्योंकि अंदर तक हमने वो चीज घुसा दी यदि, तो फिर आप न चाहें तो भी वही होगा, माने कॉन्शियसली आप नहीं भी चाहेंगे ना तो भी वही होगा। जैसे कि अभी उल्टा हो रहा है, कॉन्शियसली हम नहीं चाहते हैं किसी से झगड़ा करना, किसी की हिंसा करना, कोई आलस से प्रमाद करना, कॉन्शियसली कौन चाहता है, लेकिन तो भी होता ही है ना दुनिया में। कोई भी व्यक्ति अपराध नहीं करना चाहता है कॉन्शियसली, अपराधी से भी, चोर से भी आप पूछेंगे चोरी क्यों करते हैं, चोरी अच्छी है कि बुरी है, तो वो बुरी ही बताएगा। एक नशा करने वाले व्यक्ति से भी आप पूछेंगे कि नशा अच्छा है क्या, आपके बच्चों को भी कराएं क्या, तो कहेगा नहीं, मेरे बच्चों को लत ना पड़ जाए। कॉन्शियसली तो बुरा ही मानते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी वो करते तो है ना, तो इसलिए करते हैं कि अंदर कहीं ना कहीं वो संस्कार बने हुए हैं। तो वहां जब तक चेंज नहीं होगा तब तक जीवन चेंज नहीं होगा। फिर वो मौका आते ही, तो मैंने बताया था ना कि तोते को कितना भी राम राम रटवाओ, आप जब बिल्लिया की गर्दन दबाएगी तो क्या बोलेगा? तब तो अपनी वाली भाषा बोलेगा फिर वो, तब राम राम नहीं बोलने वाला है। तो इनके विश्वामित्र जी के मन में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये भरा है कि मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं और ये तो एक सामान्य सन्यासी है, और ये भी भरा हुआ है कि राजा का धर्म क्या होता है, जो भी धरती के ऊपर श्रेष्ठतम वस्तुएं हैं वो उनके अधिकार में होनी चाहिए। यद्यपि कहीं भी राजधर्म में ये पॉलिसी लिखी हुई नहीं है,
पर परंपरा से आ गई, पीढ़ी दर पीढ़ी आ गई। जैसे कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि सन्यासी को कोई काम नहीं करना है, लेकिन ये परंपरा से आ गया। भाई अब सन्यास ले लिया तो अब हमें दुनियादारी से क्या लेना देना है, अब तो हम आराम करें, ऐसा तो नहीं लिखा है। लिखा तो इससे उल्टा है गीता में, तो सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। सन्यासी और योगी वो होता है जो कभी भी निरग्नि नहीं होता है और कभी भी अक्रिय नहीं होता है, निष्क्रिय नहीं होता है। पर ये चीज कहां से आ गई, परंपरा से आ गई, सुनते सुनते। तो व्यक्ति अपने काम की वस्तुओं उनको चीजों को पकड़ लेता है अपने उसको पूरा करने के लिए। तो ऐसे परंपरा से आ गया कि भी जो भी श्रेष्ठ वस्तु हो उसके ऊपर राजा का अधिकार है। तो ये कहां लिखा है राजा का अधिकार है, क्यों है? राजा वैसा पुरुषार्थ करे, दूसरे की कमाई हुई वस्तुओं को क्यों छीने? वो ये परंपरा से आते आते अंग्रेजों तक आ गई। अंग्रेज क्या करते थे, यही करते थे, हमारे किसान बेचारे खेती करें, अनाज कमा के लाएं और वो टैक्स के रूप में सारा ले लें, वो भूखे मरे, उनके बच्चे भूख से मरे। ये कहां लिखा है भाई, ये कहां का न्याय है, ये तो गलत बात है ना। तो ऐसे इन्होंने कहा। तो जब इन्होंने देखा कि भाई ये तो अब मेरा कहना मान नहीं रहे हैं, तो फिर उन्होंने अपनी पावर का प्रयोग किया और अपने जो नौकर चाकर थे, जो अपने सैनिक थे, उनसे कहा खींचो इसको गाय को, क्योंकि हम राजा हैं, ये हमारी है। भाई ये कौन सी जबरदस्ती होगी, कैसे खींचो? जैसे दुर्योधन ने बोला था ना दुशासन से, खींच के लाओ द्रौपदी को, क्योंकि ये उसको जुए में हार चुके हैं। तो ये क्या था, अहंकार था एक, जिसको बोलते हैं ना मद बोलते हैं, जिसको मत्सर बोलते हैं। तो जब व्यक्ति के पास कोई पावर होती है तो वो उसको मतलब ऐसे ही अंधा बना देती है और वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में घुसा लेता है वो व्यक्ति, कि मैं क्या हूं, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, मैं ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हूं। और फिर उसको कुछ दिन में परिस्थितियां बता देती हैं, भाई तू भी ऑर्डिनरी है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक ही व्यक्ति है जिसने अपने अज्ञान और अहंकार को मिटा लिया, बस वो ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बाकी तो सारे ऑर्डिनरी हैं। जिसने अपनी अविद्या का नाश कर लिया केवल वही विशेष है, बाकी तो सारे सामान्य ही है। तो इन्होंने उसका प्रयोग किया। तदस्य शबलाम राम विश्वामित्र अनु अकर्षत। उन्होंने बलपूर्वक उस धेनु को घसीट लेने के लिए कहा, घसीटने लगे धेनु को, जबरदस्ती ले चलो भाई इसको, हमारी यही है। नियमाना तु शबला राम राज्या महात्मना दुखिता चिंतया मास रुदंती शोक कर्षिता। तो इस प्रकार से शबला नियमाना तु, जब उसे शबला को ले जाया जा रहा था, ले जाती हुई, लेकर जाती हुई वह शबला राज्या महात्मना, महात्मा राजा की आज्ञा से, उस राजा के द्वारा घसीट कर ले जाती हुई वह शबला दुखिता, बहुत दुखी हो गई वो, और चिंतयामा से बहुत चिंतित हो गई, रुदंती रोते हुए, शोकाकुल होकर के रोते हुए, शोक कर्षिता शोक से कृश हो गया है शरीर जिसका, उसको कहेंगे शोक कर्षिता। शोक व्यक्ति को ना तुरंत ही दुबला बना देता है, तो इसलिए यहां कर्षिता विशेषण डाला, शोक कर्षिता, शोक से निर्बल, शरीर को भी निर्बल बना देता है शोक और मन को भी निर्बल बना देता है शोक। तो इसलिए जब हमारे यहाँ समाज में ऐसी परंपरा है कि जब किसी के यहाँ कोई शोक की घड़ी आती है तो दूसरे लोग उसके पास जाकर के बैठते हैं, अभी कोरोना ने तो वो भी छीन लिया। दुखी हैं, जाने वाले जाना चाहते हैं लेकिन उनकी मजबूरी है, गए तो भाई हम भी लिपट जाएंगे उसी में, जा भी नहीं सकते हैं। नहीं तो ऐसी ये एक परंपरा है, अच्छी परंपरा है कि भाई 8-10 दिन, क्योंकि उस व्यक्ति को शोक लगा है
तो उसका शरीर भी दुर्बल हो जाता है, मन भी दुर्बल हो जाता है। तो दूसरे लोग उसको जाके प्रेरणा देते हैं कि कोई बात नहीं, जाने वाला तो चला गया, हम है ना आपके साथ। या गीता आदि का पाठ करते हैं, उसको सत्य समझाने की कोशिश करते हैं कि भी जो भी जन्म लिया है जिसने, वो तो जाना उसका निश्चित है, जाएगा ही, ये परंपरा है। और हम जो बैठे हैं तो हम कौन से, मतलब उससे अलग हैं, उसी पंक्ति में खड़े हैं हम भी। वो आज चला गया तो हो सकता है कल परसों हमारी बारी आ जाएगी। जब सब एक ही जैसे हैं तो कौन किसका शोक करे, सारे तो मरने वाले हैं ना हम। चलो कोरोना से बच भी गए तो क्या अमर हो गए क्या? कौन सा अमरता का सर्टिफिकेट मिल गया? मरना तो है तब भी, और कब मरना है ये कोई सुनिश्चित भी नहीं है। बिना कोरोना के भी तो जवान व्यक्ति मरते थे कि नहीं मरते, और अभी भी मर रहे हैं कि नहीं मर रहे, तो कभी भी आ सकती है मृत्यु। तो ऐसे जब दूसरा व्यक्ति बताता है उसको, क्योंकि ये सारी बातें उस व्यक्ति को सूझती हैं जिसको शोक नहीं लगा है। जिसको शोक लग गया उसको ये बातें नहीं सूझेंगी, उसके आगे पीछे तो उसको भी याद आ जाएगा लेकिन उस समय याद नहीं आएगा। तो इसलिए दूसरे व्यक्ति जा करके उसको बताते थे। तो यहाँ पर शबला कैसी है? शोक कर्षिता। तो ये बता रहे हैं कि इस प्रकार उस महामनस्वी महात्मा ना राजा की आज्ञा से शबला नियमाना तू, जब वो ले जाई जा रही थी तो रुदंती रोते हुए चिंतयामास दुखिता शोक कर्षिता, बहुत चिंतित भी थी, बहुत दुखी भी थी और बहुत शोक से कृश हो गई थी वो। परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना याहं राजभृतैर्दीना ह्रियेय भृशदुःखिता। परित्यक्ता वसिष्ठेन किम अहम सुमहात्मना वसिष्ठेन परित्यक्ता। उसको लग रहा था कि अरे क्या मैं सुमहात्मा वशिष्ठ के द्वारा त्याग दी गई हूं क्या? मैं तो सदा इनके साथ रहने वाली थी, मैं तो इनकी शक्ति थी, मैंने तो इन्हीं के लिए ही अपने आप को समर्पित किया हुआ था, और ये तो बड़े सुमहात्मा हैं, अच्छे महात्मा है, उत्कृष्ट महात्मा है। सुमहात्मना, क्या इन सुमहात्मना उत्कृष्ट महात्मा के द्वारा अहम परित्यक्ता, क्या इन्होंने भी मेरा त्याग कर दिया है? या अहम राजभृतैर दीना, जो मैं इन राजभृतैर, राजा के जो नौकर चाकर हैं, इनके द्वारा, राजभृतैर राज सेवकों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा दीना, दीनहीन होकर के ह्रियेय हरण की जा रही हूँ, बलपूर्वक ले जाई जा रही हूँ। भृश दुखिता, अत्यंत दुखी होकर के, कि क्या महात्मा सुमहात्मा वशिष्ठ ने मेरा परित्याग कर दिया है क्या, जो मैं इनके नौकरों के द्वारा ऐसे घसीट कर ले जाई जा रही हूँ? तो ये कैसे हो सकता है? महात्मा को कुछ तो मेरी रक्षा करनी चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए, ऐसे कैसे ये मेरे को लेके जा रहे हैं? किं मयापकृतं तस्य महर्षेर भावितात्मनः यन्माम अनागसं दृष्ट्वा भक्तां त्यजति धार्मिकः। तो कह रहे हैं मया किम अपकृतम, ऐसा मैंने कौन सा अपकार किया इनका? एक होता है उपकार, उपकार का उल्टा होता है अपकार। ऐसा मैंने इनका क्या बुरा किया, मैंने तो सेवा ही की है।